जब हम सुबह ट्रेनिंग कर रहे थे तो हमने जब ये न्यूज सुनी तो हम इतने खुश हो गए हैं कि हमारे सारे प्लेयर अभी गरबा खेल रहे हैं, नेशनल गेम्स को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जिसे हमें बहुत खुशी है। हमारे सारे प्लेयर्स को बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है। गुजरात में नेशनल गेम जो ऑर्गेनाइज हो रहा है, ये वन ऑफ दी मोस्ट बिग कॉम्पिटिशन्स में से है, और मैं अपने ड्यूटीज़ के लिए एज अ बॉक्सिंग कोच रेडी हूँ, और मेरे प्लेयर्स भी कॉम्पिटिशन्स के लिए रेडी हैं, और हम जितने भी इंडिया से पार्टिसिपेंट आ रहे हैं, सारे प्लेयर्स आ रहे हैं, उनके वेलकम के लिए भी रेडी हैं, और इन द फील्ड बॉक्सिंग रिंग में उन्हें टफ कॉम्पिटिशन देने के लिए भी हम तैयार हैं, जिसके लिए मैं गुजरात के स्पोर्ट्स मिनिस्टर को थैंक यू बोलना चाहूँगी, सभी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ऑफिसर्स को थैंक यू बोलना चाहूँगी। मैं लास्ट 12 ईयर से बॉक्सिंग कर रहा हूँ। सुबह 9 बजे अपने गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री जी ने और ट्वीट किया है कि इस बार की 36 नेशनल गेम अपने गुजरात में हो रही है। इस बार जो तकरीबन पूरे 7000 लोग इंडिया से आ रहे हैं गुजरात में, तो उसके वेलकम करने के लिए भी रेडी है, और इस बार अपॉर्चुनिटी ऐसी मिली कि इस बार की नेशनल गेम्स गुजरात में हो रही है। सो यहाँ के बच्चे को भी बेनिफिट ज़्यादा है कि अच्छा परफॉर्मेंस करें, अपने घर में आप खेल रहे हो तो अच्छे से अच्छा आप प्रदर्शन कर पाओगे गुजरात में, और हमें भी उत्सुकता रहेगी कि हमारे गुजरात में इस बार की नेशनल गेम्स हो रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और टफ कॉम्पिटिशन दें। जो भी बाहर से सीनियर लोग आ रहे हैं, जैसे कि अलग अलग अदर स्टेट से, उनका भी वेलकम करने के लिए हम रेडी हैं। और श्री हर्ष संघवी जी को भी बधाई देता हूँ कि ये सुनहरा अवसर आपने यहाँ पर लिया, उसके बदल थैंक यू बोलना चाहता हूँ। भारत के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी का खूब खूब आभार देता हूँ कि ये सुनहरा अवसर हमारे गुजरात में दिया।